14 जुलाई शुक्रवार को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है। लॉन्च के बाद 40वां दिन मतलब 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव के पास की सतह पर 6:04 के आसपास चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड किया जाता है। चंद्रयान 3 तीन मिशन को लेकर चांद पर लैंड कर चुका था और पहला मिशन था लैंडर को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। दूसरा मिशन था लैंडर से रोवर को निकालकर चांद की सतह पर रिमोट कंट्रोल से चलवाना। और तीसरा मिशन था लैंडर और रोवर के साथ 14 दिनों तक चांद पर सर्वाइव करना और खोजबीन करना। इस चंद्रयान मिशन के जरिए लैंडर और रोवर को चांद के सतह पर लैंड करवाया गया। प्रज्ञान रोवर ने 14 दिनों तक अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। और सारे मिशन को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के बाद हमारे इसरो के साइंटिस्ट को लगा कि हमारे प्रज्ञान रोवर तो पूरी तरह से ठीक ठाक है, तो क्यों ना इसे आगे और भी कामों के लिए यूज किया जाए। इसीलिए जब चांद पर रात हुआ तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को 14 दिनों तक स्लीप मोड में डाल दिया गया। तो सवाल यह था कि 14 दिनों तक स्लीप मोड में रहने के बाद लैंडर और रोवर क्या फिर से जाग पाएगा, क्योंकि तो चांद पर 14 दिन तक सूरज रहता है और 14 दिनों तक रात रहता है और रात में चांद का तापमान -200 डिग्री तक पहुंच जाता है। तापमान के इतने ज्यादा कम होने के कारण कुछ उपकरण खराब होने का भी डर था। फिर भी इसरो के साइंटिस्ट ने कहा कि जब 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकलेगा तो फिर से चंद्रयान 3 हमें कांटेक्ट करेगा और जानकारी भेजना शुरू करेगा। लेकिन 22 सितंबर को सूरज निकलने के बाद प्रज्ञान रोवर से कोई जानकारी नहीं आती है। इसरो के साइंटिस्ट बार बार कोशिश करने के बाद भी प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड से निकाल नहीं पाते। क्या वजह हो सकती है कि रोवर स्लिप मोड से निकल नहीं पा रहा है? जैसे कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर 14 दिनों तक सर्वाइव करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब चांद पर रात हुआ तब दक्षिण ध्रुव का तापमान -200 डिग्री तक पहुंच गया था और इतने ज्यादा ठंड में कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर पाती। इसरो के साइंटिस्ट का कहना था कि लैंडर और रोवर से कोई भी अगर एक स्लिप मोड से निकल पाता है तो 6 महीने या 1 साल तक वो जानकारी भेज सकता है। चंद्रयान 3 असफल नहीं हुआ है क्योंकि उसे जिस कामों के लिए बनाया गया था वो काम उसने पूरी तरह से कंप्लीट किया है। और चंद्रयान 3 ने चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर की भी खोज की है, जिससे ये मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अनोखी कहानी के साथ, एक अनोखी चीजों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।